हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली इतनी सारी हॉलीडेज स्पेंड करने के बाद आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एंड इट्स अ ट्यूसडे, क्योंकि मंडे को मेरी हॉलीडे रहती है। मुझे मेरी क्लासेस आजकल वीक में ओनली 2 डेज होती है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मतलब इतनी हॉलीडे स्पेंड करने के बाद भी कॉलेज जाने का मन नहीं करता, ऐसे मन करता है घर पे रहो। कोई बात नहीं, काश ऑनलाइन ही होता, बट हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। सो इट्स 8:45 अराउंड और मैं उठ चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ पूरा एकदम, बैग पैक है। और लाइफ की हिस्ट्री में पहली बार ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर लिया है हम लोगों ने। सो या नाउ विल हैव ब्रेकफास्ट एंड विल लीव फॉर द यूनिवर्सिटी एंड देन विल कम बैक। एंड यस, बाय द वे आज टीचर्स डे है, सो हैप्पी टीचर्स डे। अगर कोई भी मेरे डिपार्टमेंट का टीचर मेरा ब्लॉग देख रहा है, जो मेरा सब्जेक्ट टीचर भी है, तो प्लीज़ मुझे अटेंडेंस देते रहना। अगर मैं ना आऊँ फिर भी अटेंडेंस देते रहना, बट ये पॉसिबल नहीं है स्टिल। बोलने में क्या जा रहा है यार। ओके, सो मैंने अपना परांठा ले लिया है, तो उसके बाद मैं देखूँगी फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, जो हम खा सकते हैं परांठे के साथ। यहाँ पे नहीं, बटर तो नहीं चाहिए, सो विल टेक वन दही। सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, और इसको लेके जाएंगे हम अपनी कोजी से स्पेस में। नाउ विल ईट। So finally we have reached university. So guys, हमारी क्लास स्टार्ट होती है 9:30 पे एंड इट्स ऑलरेडी बीन 9:47, एज ऑलवेज लेट। और आज तो टीचर्स डे है तो सर आने देंगे, सर को इमोशनल ब्लैकमेल कर देंगे, बट दिस इज इनसेन, ये हमेशा का ही हो गया है मेरा। तो फाइनली हम अपने ब्लॉक पहुंच चुके हैं, ये वाला मेरा ब्लॉक है B4। सो पढ़ लिख लिया करो, बड़े आदमी बनो पढ़ लिख के। मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बड़ा आदमी हूँ। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको क्लास में मन ना लग रहा होगा पढ़ने का, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे चैंट करते रहो। सर कुछ भी पढ़ा रहे हो आप, भगवान का नाम लेते रहो, पास जरूर हो जाओगे। हाँ, कि अगर पास होने की इच्छा ना हो तो इससे पास हो जाओगे। गाइस, दिस रियली वर्क्स। हमने इस पे हम कैसे पास हुए हैं, यही करके, बस कृष्ण भगवान का नाम लो और पास हो जाओगे। बस कल जन्माष्टमी है, कल हम यही प्रे करेंगे भगवान हमें पास कर देना। तुम क्या जन्माष्टमी है, हमें इतना भी नहीं। नास्तिक लोग, नास्तिक नास्तिक जमा ही नास्तिक। कल जन्माष्टमी है तो आज मैं रात को मेहंदी भी लगाऊंगी, व्लॉग में लेती हूँ। इधर देख भी लो,
हाय हाय बोलो क्या हाँ हाँ बोलो कुछ बोलना चाहते तुम तो गाइस ने अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा है और सेकंड लेक्चर में आता तो हमें भूख लग गई और हम लोग खाना खा रहे हैं। Guys, we have to stay hydrated all the time. कुछ भी ले लेंगे व्लॉग में जब कंटेंट ना मिले तो कुछ भी ले लो व्लॉग में. Okay, so I am back. हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और अभी भूख लग रही है. समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे खाएं या रूम पे जग के खाएं. देख लेते हैं कैसे बनता है और गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है. Oh God, let me show you. ये देखिए, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा. गर्मी भाई साहब, इसकी तो शक्ल काली पड़ गई गर्मी से. भाई कितना क्राउड है, सारे फ्रेशर्स नहीं है, सारे फ्रेशर्स है. क्यों आ जाते हैं यार ये फ्रेशर्स हर साल. मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि मैं भी एक टाइम पे फ्रेशर थी, लेकिन मैं फ्रेशर नहीं थी, मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आई थी क्योंकि हम लेटर एंट्री वाले थे. तो ये है हमारे लवर्स पॉइंट. यहाँ पे अगर आप अकेले बैठोगे तो आप मिंगल होके जाओगे. अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे बैठिए. और आप मिंगल होके जाओगे. ये हमारे सीयू की स्टूडेंट पार्किंग है और यहाँ पे अगर बाइक हो गई तो हो जाती है, मिलती नहीं. ढूंढने में तो आधा घंटा लग जाता है. सो दीज आर द रियल स्ट्रगल्स दैट स्टूडेंट्स फेस एवरी डे, लाइक लिटरली एवरी डे. पूरा बाइक ढूंढने के लिए पूरा घंटों घंटों बिता देना. अभी रेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे. हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और आज है जन्माष्टमी. मतलब जन्माष्टमी शुरू हो गई है और जन्माष्टमी माय वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल है. और जन्माष्टमी जब भी आ रही होती है मैं 2-3 दिन पहले से ही एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे ये वाला आउटफिट पहनना है, मैं साड़ी पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी. मतलब किसी कोई भी फेस्टिवल हो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं जन्माष्टमी में ही रहती हूँ. तो यहाँ और मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया मेहंदी लगाना. सी इतने मतलब मुझे ऐसे काम पड़ गए हैं और मतलब कल मेरा एग्ज़ाम भी है, ऑनलाइन है वैसे तो 12 बजे, लेकिन नहीं पढ़ना था है, मुझे तो मेहंदी लगानी है. देखी देखी मेरी मेहंदी. सो अभी तक मेरी इतनी मेहंदी कंप्लीट हुई है और ये मैंने खुद से लगाई है मेहंदी. मैं कम से कम 2 घंटे से लगी हूँ, बीच में ब्रेक ले लेकर लगा रही हूँ, तब थक चुकी हूँ. और ये देखो मैंने इसमें श्री कृष्णा भी लिखा है और यहाँ पे मैं इंग्लिश में कृष्णा लिखने वाली हूँ. तो अभी मेहंदी बस कंप्लीट होने का वेट कर रही हूँ. कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही. सारी अपनी मेहनत से बनाई है, किसी से नहीं लगवाई. अब मैं कोमल को मिस कर रही हूँ क्योंकि कोमल लास्ट टाइम मेरी मेहंदी लगा देती थी, बट अभी मुझे खुद ही लगानी पड़ रही है. अब इतनी कंप्लीट होने के बाद फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक. ओके गाइस, लिटरली इस टाइम अपने हॉस्टल डेज बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो मुझे हॉस्टल से हमेशा प्रॉब्लम रही है कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, ये था वो था, बाहर नहीं जाने देते थे, 10 बार फैमिली से बात करवाओ फिर जाके. मतलब बहुत इरिटेट हो गई थी मैं हॉस्टल में रह के. लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे याद आती. अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स चेक करो तो उसमें हम साथ में मेहंदी लगाते थे या कुछ भी हो जाए साथ में सेलिब्रेट करना, तो वो चीज़ें मैं मिस करती हूँ. यहाँ पे अकेले रहना, मतलब खैर मेरे रूममेट साथ में है लेकिन फिर भी मतलब दो में भी इतना आप इंजॉय नहीं कर पाते हो जितना थे सब में इंजॉय कर. मतलब आसपास के जितने भी रूम्स थे हम सारे कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं, कभी लाइट्स ऑफ कर दे रहे हैं. सो बहुत ये चीज़ें मैं हमेशा मिस करूँगी हॉस्टल में. और उसमें मेहंदी लगाने के लिए हम किसी के भी रूम पर चले जाते थे, आपको मेहंदी लगानी आती है, आपको मेहंदी लगानी है, लगा दो मेरे, इतने वेले थे यार हम. तो अभी यहाँ पे जब मेरी खुद लगानी पड़ रही है और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं हो पा रहा है. रोना आ रहा है मुझे, मुझे कंप्लीट करनी है बट मुझे नींद भी आ रही है. कल सुबह मेरा एग्ज़ाम भी है, मैं कैसे मेहंदी वाले हाथों से एग्ज़ाम करूँ. वैसे तो ऑनलाइन ही है बट स्टिल
बस अब इसका वेट वेट क्या करती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए, फिर मिलते हैं। 2000 years later. So guys, finally मेहंदी लग चुकी है इतने ज़्यादा परिश्रम के बाद। सी मैंने कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे श्री कृष्णा लिखा है, यहाँ पे कृष्णा, और यहाँ पे राधे श्याम, ये थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो गई, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और भी कहीं लिखा था, भूल गया, कहीं तो लिखा था यार, एक यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे और भी बहुत जगह पे लिखा हुआ है, ऐसे छुपा छुपा के लिखा है। सो या फाइनली मेहंदी इज रेडी। अभी इतनी मेहनत करके मेहंदी तो लगा दी है, अब कल का पेपर भी ठाकुर जी संभालेंगे, अब उन्हीं पे विश्वास है पूरा। हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, एंड इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मेहंदी खराब ना हो जाए मेरी कहीं। जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो मतलब फेस्टिवल ही है जन्माष्टमी का ना। अब इट्स 12 AM तो, और अभी मिडनाइट नहीं, क्या बोल रही यार, छोटी छोटी मतलब खुशियां हैं जो मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, शिट। लेकिन जन्माष्टमी तो ना, क्यों नहीं हो पा रहा।